आज हम सीखेंगे टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इन SHM, टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। इन SHM कुछ नहीं करना है आपको, केवल बोर्ड पर देखिए, सारा टॉपिक आपको बोर्ड पर समझ में आ जाएगा। बेटा सबसे पहले SHM की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? y इक्वल यही होता था y इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। क्यों लिया हमने? क्योंकि हमें किसका ग्राफ खींचना है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? a साइन ओमेगा। इज इट क्लियर? ओमेगा को हम क्या लिखते हैं? y इक्वल a साइन ओमेगा को लिखते हैं हम 2π अपॉन कैपिटल T। लिखते ओमेगा को लिखते हैं 2π अपॉन कैपिटल T इनटू में ये स्मॉल T क्या होता है? इंस्टेंटेनियस टाइम। मालूम है सबको यहां तक? अब सुनिए, ग्राफ खींचने के लिए हमें जरूरत होती है कोऑर्डिनेट्स की। सब मालूम है, आपने ग्राफ 10th क्लास में अभी सीखा है। आपको कोऑर्डिनेट्स मालूम होते हैं, उनके बिहाफ पर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक एक करके किसकी वैल्यू रखते जाएंगे? पहली वैल्यू क्या होगी स्मॉल टी की? जीरो। दूसरी याद करो, मैंने सिखाया था T/4। तीसरी T/2, फिर 3T/4 और फिर T। याद है इंस्टेंटेनियस टाइम क्या क्या होते हैं? पहला जीरो रहेगा, उसके बाद T/4, कैपिटल T/4, फिर T/2, फिर 3T/4, 3/4 और फिर T। रखें एक एक करके। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे टाइम? देखिएगा टाइम हमें क्या क्या रखने हैं, जीरो, देन T/4, देन T/2, देन 3T/4 एंड फाइनली। इन टाइमिंग्स पे हमें क्या चाहिए है? डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले बताइए, जब यहां हम टाइम कितना रखेंगे? जीरो, तब y क्या आएगा? a साइन जीरो। साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो y इक्वल क्या आ गया? जीरो। कोई दिक्कत? तो जब टाइम जीरो तब y भी जीरो। कोऑर्डिनेट क्या हुए? 0, 0। नाउ T/4, y क्या आएगा? a साइन 2π अपॉन t इंटू T/4। कितना बन जाएगा? साइन 90 वैल्यू 1। तो y इक्वल क्या आ गया? समझ में आ रहा है, y इक्वल क्या आ जाएगा? ए 91। तो T/4 पे वैल्यू क्या आई? a। अब टाइम कितना? a साइन 2π/t इंटू T/2। साइन 180 कितना होता है? साइन 180।
जीरो, साइन की 180 डिग्री होती है जीरो, तो वाई आएगा जीरो। आप लोगों को मैथमेटिक्स में सिखाया तो गया होगा साइन 180 की वैल्यू निकालना। साइन 180 को आप लिख लेते साइन 90 प्लस 90, हो जाता है माइनस का कॉस 90 प्लस का कॉस 90, ऐसे कुछ नहीं होता, वो उससे निकाल सकते। तो फिलहाल y कितना आया, जीरो। अब t कितना, 3t/4 में y इक्वल a साइन 2π/t इंटू 3t/4 क्या बन गया, कितना बना ये 270, 270 की वैल्यू माइनस वन। अगर आपको मैथमेटिक्स में वैल्यू निकालनी आती है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको याद करना पड़ेगा। तो ये हो गया माइनस का ए, ये लिमिटेड वैल्यूज याद करनी पड़ेगी इस डेरिवेशन के लिए। वाई हो गया माइनस का ए। इसके बाद अब टाइम कितना रखोगे, कैपिटल टी, तब वाई क्या आएगा, ए साइन 2π/t इंटू कैपिटल टी, साइन 360 जीरो, जीरो के बाद पाई 2π 3π 4π 5π सब क्या होते हैं जीरो। तो ये पूरा क्या हो गया, यानी कि जब टाइम टी है तब वाई कितना है जीरो। इतना समझ में आया, इतना नोट्स में है आपके पास, देख लीजिए एक बार, इरेज करूं फिर मैं से। हैगा, अब इस बिहाफ पर हम प्लॉट करेंगे ग्राफ। देखिए हाँ बेटा बुझे, अब देखिए इन पॉइंट्स के बिहाफ पर अब हम प्लॉट करेंगे ग्राफ। तो ग्राफ प्लॉट करने में सबसे पहले दो एक्सिस चाहिए हमें, ये हो गए एक्सिस, यहां हो गया ओरिजिन। अब बताइए टाइम हमने क्या क्या लिए हैं, जीरो ये हो गया, अब एक कोई फिक्स वैल्यू मान ले रहे, जैसे मान लिया हमने t/4 t/2 3t/4 t, ठीक। ये क्या हो गया, ये देन फाइनली ये तो हो गए कोऑर्डिनेट्स x एक्सिस के। y एक्सिस पे देखो जीरो और a चल रहा है, तो a प्लस का ऊपर ले लिया और उतने ही डिस्टेंस पे ए माइनस का नीचे ले लिया, क्लियर। अब बताइए टाइम t/4 पे कोऑर्डिनेट क्या है, ए, एक्स t/4 वाई है ए, यही मिलेगा पॉइंट, आता है ये आपको, इसके बाद जब टाइम t/2 तब y कितना है जीरो, यहां मिलेगा पॉइंट। इसके बाद 3t/4 पर माइनस a,
ये हो गया। फाइनली टी पर जीरो। अब हमें इन पॉइंट्स को ज्वाइन कराना है। एक चीज याद रखिएगा, ये वाई कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा था। जब वैल्यू इंस्टेंटेनियस होती है तो ग्राफ कर्व्ड होता है, अदरवाइज हम इसे सीधे ऐसे ज्वाइन कराते। अगर एक वैल्यू जीरो दूसरी ए तो सीधे ज्वाइन कराते, लेकिन बीच में भी कई एक वैल्यू आई है, हर इंस्टेंट पे चेंज हुई है। तो जब ग्राफ इंस्टेंटेनियस होता है तो डिजाइन हमेशा कर्व होता है। तो हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को ऐसे मिलाएं कर्व करके। कब करते बेटा ये काम, जब जो वैल्यूज आपने निकाली है वो कैसी है, इंस्टेंटेनियस। यहां पहुंच गए, अब नीचे आएगा ग्राफ। इसके बाद ये रहा, कोई समस्या? आपने अक्सर ये ग्राफ देखा होगा, छोटी क्लासेस में ये ग्राफ देखा होगा, ऐसे बना देते थे, कहते थे ये वेव है। एक्चुअल में ये क्या है, किसी भी वाइब्रेशन का ग्राफ। कौन सा ग्राफ, टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। कहीं कोई दिक्कत, बनाना आ गया आपको? आगे चलते हैं। ये था टाइम डिस्प्लेसमेंट